सवाल यह है कि साइंसदानों का ये ख्याल है कि जो हमारा निज़ाम शमसी है इसके तबाह होने के कई इम्कानात हैं, जिसमें मसलन वो कोई मीटराइड आके टकरा जाए, या सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाए, या वो तो बहुत लंबी बात ही बहुत बात बहुत तो इसमें, या ब्लैक होल में चला जाए, इस बारे में हुजूर का क्या ख्याल मेरा तो है या राय कतई है? ख्याल यही है कि साइंसदान ठीक कहते हैं। यकीन पुराने किसी से बिल्कुल कच्चा पर साबित है, कोई भी हमारा ऐसा होगा और दुनिया की सबसे बेटी जाएगी, लेकिन बैक वक्त जरूरी नहीं। हो सकता है दुनिया पहले तबाह हो और निज़ाम शमसी लंबा सब बाकी जारी रहे और दुनिया दोबारा फिर बहाल हो जाए। जो मैं समझा कुरान करीम से वो यही बात है कि दुनिया की तबाही और निज़ाम शमसी की तबाही ये अलग अलग वाक़ियात हैं। दुनिया की पे एक आफत ऐसी टूट सकती है जिससे ज़िंदगी इंसान वगैरह सब मिट जाए और असरे नौ फिर एक और इरतकाई दौर शुरू हो, और निज़ाम शमसी की उम्र बहुत लंबी है उससे। वो एक दो मीटियोर के सूरज से टकराने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझे? आगे चलें।